प्राथमिक विद्यालय शादीपुर के प्रधानाचार्य कक्ष में एक के बाद एक करके तीन सांप निकल आए। इससे स्कूल स्टाफ एवं छात्र छात्राओं में अफरा तफरी मच गई। घंटों की मशक्कत के बाद ग्राम प्रधान ने एक ग्रामीण व स्कूल स्टाफ के सहयोग से तीनों सांपों को पकड़वा कर जंगल में छुड़वा दिया। गांव शादीपुर में पंजाब नेशनल बैंक से कुछ दूरी पर प्राथमिक विद्यालय है। मुख्य अध्यापिका सावित्री देवी के कक्ष में ग्राम पंचायत निधि से मरम्मत व टाइल्स लगाकर सौंदर्यीकरण करने का काम चल रहा था। कक्ष में कोतवाली शहर बिजनौर क्षेत्र के गांव भगैन निवासी पुष्पेंद्र कुमार व मुकेश कुमार काम कर रहे थे। स्कूल की छुट्टी से कुछ देर पहले कक्ष में रखी अलमारी को बाहर निकाला गया। मजदूरों ने जैसे ही वहां पर मिट्टी दबाने का काम शुरू किया, तुरंत वहां से काले रंग के सांप निकलने शुरू हो गए। तभी वहां एक सांप निकला, उसे देखकर स्कूल में अफरा तफरी मच गई। ग्राम प्रधान जयवीर सिंह ने ग्राम नूरलीपुर भगवंत निवासी राशिद को बुलवाकर स्कूल अध्यापक निरंकार सह व चपरासी ब्रिजेश कुमार ने सहयोग से सांप को पकड़कर एक बोरे में बंद कर लिया। बाद में उसे गांव से दूर जंगल में छोड़ दिया। जैसे ही वह सांप को छोड़कर लौटे तो वहां दूसरा सांप निकल आया। उसे जंगल में छोड़ा गया तो कुछ देर बाद एक और सांप निकल गया, उसे भी पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। ग्राम प्रधान जयवीर सह ने सांप पकड़ने वाले व्यक्ति को 1,100 रुपए का पुरस्कार दिया।